नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति में शामिल संघों में एक सप्ताह पूर्व से मतभेद उत्पन्न होने के कारण संरक्षकों के हस्तक्षेप से मतभेद दूर कराते हुए मंगलवार को समन्वय समिति की आपात बैठक संघ भवन में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संरक्षक कौशल कुमार शुक्ला ने बताया कि 5 संघों का समन्वय है, छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, परंतु कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है। कोई भी मतभेद हो संघ भवन में ही इसका निराकरण हो जाना चाहिए। कभी भी मतभेद संघ भवन के बाहर नहीं होना चाहिए, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रांतियां पैदा हों। बैठक में आकेंद्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, महामंत्री दीपक श्रीवास्तव, फरहान अहमद, संरक्षक शेषनाथ पांडे, देवानंद त्रिपाठी, रूलर यादव संजय श्रीवास्तव, अमृतपाल सिंह, ओम प्रकाश, चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे, शक्ति प्रकाश मिश्रा, निर्माण विभाग कर्मचारी संघ के अवधेश दुबे, साधु शरण, मेवालाल, राजेंद्र सिंह, अमरनाथ, राजेश श्रीवास्तव, गौरी शंकर, बेचन गुप्ता, शिव चरण, जय प्रकाश कुशवाहा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आकेंद्रित कर्मचारी संघ के संरक्षक शेषनाथ पांडे और श्रमिक संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, और निवेदन भी करते हैं कि जिस तरह मीडिया नगर निगम कर्मचारी संबंध समेत नगर निगम के किसी भी कर्मचारी संगठन के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो और मीटिंग में कोई भी नीतिगत फैसला लेने से पहले उसके लिए भी हम लोगों ने निवेदन किया है अपने अपने तीनों पदाधिकारियों से, हालत में वह फैसला आना चाहिए कि हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं उपस्थिति हम लोग बैठक को होनी चाहिए। आगे की बैठक में बना दिए हैं, आपस में चर्चा हो गई है, निवेदन के साथ दिए हैं, उसका पालन सब लोग करें। आरपी सिंह या माननीय पांडे जी सब लोग देखे हैं, हम लोग जब कोई समस्या आती थी तो हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर दो तीन लोग बैठे हुए थे, आप जरा संग्राम कार्यालय के सामने आइए, देवानंद जी का आप आ जाइए, 4-5 लोग होते थे, हम लोग अकेले कभी नहीं जाते, क्योंकि संगे सकते कर जुगे आपके पास जब संगठन रहेगा, मजबूती रहेगी, एकता रहेगा, तो आप ताकतवर रहेंगे। अकेले अगर आप कहीं दौड़ेंगे तो आपके पास ताकत नहीं रहेगी, तो आपको कोई गलती की कोई पूछने वाला नहीं। परिवार को खुशहाली पूर्वक नम्र तरीके से हर स्थिति परिस्थिति के बारे में आप सब लोग अवगत हो चुके हैं। विगत कुछ दिनों से समन्वय समिति में कुछ आपसी मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण समन्वय समिति के संरक्षक को हस्तक्षेप करना पड़ा। समन्वय समिति के संरक्षकों द्वारा हस्तक्षेप करने से समस्या का समाधान हो गया। अब समन्वय समिति संगठित रूप से काम करेगी और जो विवाद था वह समाप्त हो गया, अब कहीं कोई जो दिक्कत नहीं है। आज समन्वय समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई थी। विगत कुछ दिनों से जो गलतफहमियाँ के मतभेद हो रहे थे, जिससे अधिकारियों में कर्मचारियों में एक गलत मैसेज जा रहा था। आने वाले दिनों में कर्मचारियों की मांगे इतनी मांगे हैं कि बिना संगठित ही हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए हमारे दोनों संरक्षकों ने इस समस्या का समाधान आपस में बैठ के इसका रास्ता निकाला, और जो भी हम लोग के बीच में कुछ गलतफहमियों के कारण मतभेद हो गए थे वो गलतफहमियाँ समाप्त हो गई, और उसकी वजह से मतभेद ही समाप्त हो गए। इसी के लिए आज एक आपात बैठक बुलाई गई थी। आज हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, और भविष्य में जैसे 2002 से समन्वय समिति कार्य कर रही है, सारे नगर निगम के सभी संगठन मिलकर कर्मचारी समस्याओं को मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और उनके कर्मचारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज इसी के लिए एक आपात बैठक बुलाई गई थी।